भारतीय राष्ट्रीय का ये जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें अगर आप देखें तो शुरू में ही ऐसे लोग थे जो एक भारतीय राष्ट्रवाद, इंडियन नेशनलिज्म की कल्पना करते थे। और इंडियन नेशनलिज्म की कल्पना, जो कल्पना शुरू में बीज होता है, बाद में यही जाकर एक झाड़ बनना चाहिए। तो ये बीज क्या था, कल्पना का बीज क्या था? इस कल्पना का बीज हमें जो दिखता है मुख्य रूप से आज़ादी के आंदोलन के तीन प्रवाहों में मिलता है, ये हमें समझना चाहिए। ये तीन प्रवाह कौन से हैं? व्हाट आर दीज थ्री स्ट्रीम्स विच केम अप ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट? और उसमें तीन प्रवाह में सबसे पहले मैं एक प्रवाह रखूँगा, और मेरी थोड़ी सी आदत है, मैं चाहूँगा आप भी मेरी मदद करें, आप भी इसमें जोड़िए। तो तीन प्रवाहों में, आज़ादी के आंदोलन में उतरने वाले तीन प्रवाहों में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण, पूरे देश को जोड़ने वाला जो प्रवाह था उसमें चार बड़े नेताओं का नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ। नेता तो हज़ारों थे, सबका नाम मैं ले नहीं सकता, एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैं उनका नाम ले रहा हूँ। आप अगर मेरी मदद करें तो उनके संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का नाम मुझे बताने की कोशिश कीजिए। ये चार नेता कौन से हैं? और ये मैं किस बात पे अभी बात कर रहा हूँ? मैं बात इसके कर रहा हूँ कि जंगे आज़ादी में वो ऐसे कौन से राजनीतिक प्रवाह थे जो बराबरी की बात करते थे, इंसानियत की बात करते थे, प्रेम की बात करते थे, मोहब्बत की बात कर रहे थे। मैं उस पर अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, क्योंकि उसी रास्ते पर हमको जाना है, उसी रास्ते के बीच में रुकावटें डाली गई। तो ये रास्ता कौन सा था? इसमें चार लीडर्स का मैं नाम ले रहा हूँ, आप अगर गेस करके, खास तौर से नौजवान लोग मुझे बता सकें उनके संगठन का नाम क्या था तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो इसमें चार लोगों के नाम में पहला नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, होल्ड ऑन। दूसरी एनी बेसेंट, तीसरे सरदार बलदेव सिंह, और चौथे मोहनदास करमचंद गांधी। इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम कोई बता सकता है मुझे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, मेरा यही जवाब था। पर मैं सिर्फ एक ही कह रहा हूँ कि ऐसे नाम बताने में भी कंजूसी मत कीजिए, पूरा पूरा बोलिए ना, कांग्रेस ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ओके, याद हो गया। एक नंबर दो, एक व्यक्ति जिन्होंने पूरे देश में एक बड़ी उत्तेजना, बड़ा साहस भर दिया, वो नौजवान जो 23 साल 8 महीने की उम्र पे वतन की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर चूम गया, जिसका नाम था सरदार भगत सिंह। और उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम ख्याल कीजिए, उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम था नौजवान भारत सभा। अब तीसरा एक व्यक्ति बाकी है, ये इनको मैं कहता हूँ उभरते वर्ग, मोहब्बत फैलाने वाले वर्ग, बराबरी की बात करने वाले लोग, और एक बेहतर भारत बनाने वाले लोग। और उसमें तीसरे व्यक्ति का पहला आपने कह दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरी नौजवान भारत सभा, और तीसरे जो व्यक्ति उसमें हैं उनका नाम है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। मुझे पता है आपकी भी तकलीफ होगी, उनके कौन से ऑर्गेनाइजेशन का आप बताएंगे नाम? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है, फिर उन्होंने बहुत सारे बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी, उनके सिद्धांतों पर आखिर में चल के एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो मोटे तौर से आप लोग याद रखेंगे तीन चीज़ें मैंने कौन सी की, पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा नौजवान भारत सभा, तीसरा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। अब इनमें मैं इन तीनों को एक ग्रुप में रखता हूँ। इन तीनों को एक ग्रुप में क्यों रखता हूँ? क्योंकि ये चार पांच चीज़ों को ये बराबरी से मानते थे। ये चार पांच कौन सी चीज़ें हैं? नंबर वन, ये तीनों प्रकार के लोग जिनको मैं कहता हूँ राइजिंग क्लासेस, उभरते हुए वर्ग, नए भारत का सपना देखने वाले वर्ग, अच्छे भारत की कल्पना करने वाले वर्ग, इनके जो कॉमन वैल्यूज़, सामान्य मूल्य थे, उसमें पहला था ये सब भारतीय राष्ट्रवाद, इंडियन नेशनलिज्म में मानते थे। नंबर दो, ये सभी सेक्युलर थे, जो मैं कहते थे कि जैसे कुछ उसमें नास्तिक थे भगत सिंह जैसे, बाकी कहते थे मेरे लिए मेरा मज़हब, आपके लिए आपका मज़हब, पर ये मज़हब समाज की राजनीति को कंट्रोल नहीं करेगा, तो इसलिए ये सेक्युलर थे। तीसरा, ये सब तीन सिद्धांतों में मानते थे जो हमारे भारतीय संविधान के पहले तीन शब्द हैं। वो तीन सिद्धांत कौन से हैं? स्वतंत्रता, समता, बंधुता। तो ये मेरे लिए वो वर्ग हो गए जिनको मैं कहता हूँ उभरते हुए वर्ग, नए भारत का सपना देखने वाले वर्ग, बराबरी के भारत का सपना देखने वाले वर्ग। अब ये कहाँ से आए? ये जो ज़्यादातर लोग आए, ये आए आधुनिक शिक्षा के कारण, आधुनिक शिक्षा में से बनी हुई चीज़ें। इसमें व्यापारी वर्ग थे, उद्योगपति थे, मजदूर थे, और आधुनिक शिक्षित वर्ग थे। अब दूसरी तरफ जो थे, यहाँ दूसरी तरफ यहाँ राजा थे, नवाब थे,
और ये राजा नवाब जमींदार जागीरदार जो थे उनको उन्होंने जब देखा कि ये लोग एक नए भारत का सपना देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग। यहाँ के जो राजा नवाब थे उनके पास पहले पूरी सत्ता थी, तो उनको उन्होंने जब देखा कि ये व्यापारी उद्योगपति आ रहे हैं, मजदूर सामने आ रहे हैं, पढ़े लिखे वर्ग के लोग सामने आ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, तो राजा नवाबों को डर लगा। तो उन्होंने इन राजा नवाबों ने पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और वो ऑर्गेनाइजेशन था यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन। अब यहाँ जब ये बात कर रहे हैं भारत राष्ट्र की, तो यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन ने कहा हम अंग्रेज हुकूमत की तरफ वफादार हैं। ख्याल कीजिए यहीं से बात शुरू होती है। तो इनकी वफादारी, जिनको मैं कहता हूँ डूबते वर्ग, पुराने वर्ग, राजा नवाब जमींदार जागीरदार, ऊंच नीच में विश्वास रखने वाले लोग, इन्होंने अंग्रेज हुकूमत के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त की। और इसी में से संगठन में से बाद में चलकर दो संगठन बने और वो दो संगठन खास तौर से गैर बराबरी के मूल्यों को बरकरार रखना चाहते थे। तो पहले मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर दूं, इधर के मेरे जो लोग हैं भगत सिंह, गांधी, अंबेडकर, ये बराबरी की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं। और इधर जो लोग अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो गैर बराबरी के आधार पे चलने वाले लोग हैं। पहले तो अंग्रेज हुकूमत के प्रति अपनी वफादारी को सामने रखते हैं और उसमें दो तीन संगठनों के नाम आपको बता दूं, ये मजहब को राष्ट्रीयता से, नेशनलिज्म से, राष्ट्रवाद से जोड़ देते हैं। ये क्लियर है। जब इधर मैं देखता हूँ तो इधर आपको नेशनलिज्म दिखेगा, राष्ट्रवाद दिखेगा, पर उसमें मजहब का दुरुपयोग नहीं दिखेगा। राजा नवाब जमींदार जागीरदार, इन्होंने जो राष्ट्रवाद रखा उसमें उन्होंने मजहब को जोड़ दिया। तो उसमें एक पहले व्यक्ति का नाम है, आशा है आप लोग बता सकेंगे इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम था। अब शुरू में इनमें राजा थे, नवाब थे, जमींदार थे, जागीरदार थे, और बाद में चलकर कुछ पढ़े लिखे अपर कास्ट, अपर क्लास के लोग उनसे जुड़ गए। तो ये मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इनके संगठनों के नाम आप मुझे बताएंगे। तो इधर में से जो पहले व्यक्ति का नाम रख रहा हूं मैं, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। पार्टी का नाम आप में से किसी को पता है? मुस्लिम लीग। वेरी गुड, आपको तो रियल पता है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, मुस्लिम लीग। अब इधर से मुस्लिम लीग बनी तो उधर से एक और व्यक्ति आते हैं, आजकल जिनके बड़े बड़े पुतले उभारे जा रहे हैं, जिनके लिए बड़े बड़े कसीदे कहे जा रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र से हैं, वो अंडमान की जेल में थे, अंडमान की जेल में जाके उनका हृदय परिवर्तन हो गया, उन्होंने अंग्रेज़ों से बार बार माफ़ी मांगी और अंग्रेज़ों को कहा कि आप मुझे छोड़ दो तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। उनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर। जेल से छूट कर आए तो कौन सी पार्टी ज्वाइन की? हिंदू महासभा, थैंक यू वेरी मच। तो इधर हो गई क्या? मुस्लिम लीग। इधर क्या हो गई? हिंदू महासभा। अब ये मजहब के लिए काम कर रहे थे के पावर के लिए काम कर रहे थे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आप में से ज्यादा लोग मुझे मुस्लिम पहचान के लोग दिख रहे हैं तो गलत मत समझिएगा, मजहब अपनी जगह पे है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, हमको ये जीने का रास्ता दिखाता है। पर जब मजहब को सियासत से जोड़ा जाता है तो किस प्रकार का खतरनाक रोल वो प्ले कर सकता है, वही मैं बताने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। और उसमें मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा। अब मुस्लिम लीग ने कहा मुसलमानों के लिए अलग देश चाहिए, पाकिस्तान बना केवल उनकी मांग के कारण नहीं, अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, मुस्लिम कम्युनलिज्म, हिंदू कम्युनलिज्म से भारत का पार्टीशन हुआ और जो मुस्लिम कौम साउथ एशिया में एक कौम थी वो कौम तीन टुकड़ों में बट गई। कौन से तीन टुकड़े? पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। तो इस कौम को तोड़ने वाली सबसे बड़ी राजनीति जो आई वो कम्युनलिज्म। खैर कहानी पूरी नहीं हुई, तो इन्होंने विनायक दामोदर सावरकर, हिंदू महासभा आपने पहचान लिया, तो मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राष्ट्र की बात की, हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र की बात की। और इसी हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर एक और ऑर्गेनाइजेशन बना जो आज का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है। पहचानिए, आपने पहली पहचान लिया, मैं तो आपको हिंट देने वाला था, वो पहले हाफ पैंट पहनते थे आजकल फुल पैंट पहनते हैं।